हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं अपनी पर्सनल होल्डिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार गाइस। अगर मैं अपनी पर्सनल होल्डिंग्स की बात करूँ या फिर मैं अपनी होल्डिंग्स की भी बात करूँ, तो होल्डिंग्स गाइस दो तरीके की है मेरी। एक तो स्विंग ट्रेड्स होती हैं और एक होती है जो लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो 6 महीने से ऊपर, 6 महीने से ऊपर मैं आप लोगों को अपने तरीके से बता रहा हूँ। 6 महीने से ऊपर मैं जो भी कॉल्स को होल्ड करता हूँ वो मैं एक लॉन्ग टर्म कॉल लेकर चलता हूँ, और 6 महीने के अंडर जो भी मैं अपनी कॉल्स को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करता हूँ वो मेरी स्विंग ट्रेड्स होती है। सो गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ तो गाइस मेरे दो जगह अकाउंट हैं, एक जीरोधा, एक कोटक सिक्योरिटीज। जीरोधा पे और कोटक सिक्योरिटीज़ पे अगर हम बात करें तो जीरोधा पे मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करता था और कोटक पे मेरी स्विंग कॉल्स और मेरी जो लॉन्ग टर्म कॉल्स हैं वो उस पर रहती थी। बट अब मैंने शिफ्ट कर लिया है, और मैं शिफ्ट इसलिए कर लिया है क्योंकि जो इंट्राडे कॉल्स थी वो मैं बंद कर चुका हूँ। बहुत माइनर कॉल्स लेता हूँ, मतलब मैं 2-3 दिन में एक कॉल ले लेता हूँ, या मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ले लेता हूँ, वरना मैं इंट्राडे कॉल्स जनरली नहीं लेता। क्योंकि जब मैंने एक स्टडी करी और तब मुझे पता चला कि अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप रिस्क भी कम लेना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। और मैं इस पर अभी एक्स्ट्रा अपने आप को जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इंट्राडे से थोड़ा पीछे हट रहा हूँ। या डेफिनेटली स्विंग ट्रेड अगर आपको एक हफ्ते में जितना परसेंट देता है वह इंट्राडे पे आपको एक दिन में दे देता है। हाँ गाइस, मेरे साथ आज भी ऐसा हुआ। इंट्राडे पे मुझे आज जितना का फ़ायदा हुआ मुझे स्विंग ट्रेड में 4 दिन में हुआ था। तो होता ये है गाइस, पर हाँ, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं देखता हूँ कि मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम ऑफिस में काम करते हैं या हम बिज़नेस चलाते हैं तो हम सुबह से शाम तक नहीं बैठ पाते स्क्रीन के सामने, और कब हमें ट्रेड लेना है, क्या करना है इंट्राडे पे हम नहीं कर पाते। सो उन लोगों के लिए मैं अब एक स्विंग ट्रेड्स की कॉल्स लेकर आया। सो मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी, मेरे खुद के क्लाइंट से भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि अपनी पर्सनल होल्डिंग हमारे साथ शेयर करिए, आप जो हमें कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि मैं जनरली अपने क्लाइंट्स को भी स्विंग कॉल्स और लॉन्ग टर्म कॉल्स भी प्रोवाइड कराता हूँ प्लस इंट्राडे। सो पर्सनल मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ भी मेरी रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें अपनी पर्सनल होल्डिंग शेयर करिए। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में सिर्फ, वो होगी मेरी स्विंग ट्रेड्स की कॉल्स, जो कि मैं अब स्टडी कर रहा हूँ और इसमें मेरा इंटरेस्ट बन रहा है और मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ। तो जिस तरीके से जो मेरे स्टॉक सेलेक्शंस हैं मैं उसके बेसिस पर अगर मैं स्विंग ट्रेड्स कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और रिटर्न मिल रहा है। और यही सारी जो टेक्निक्स थी मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ और कुछ कॉल्स आप लोगों के साथ जो मेरे यूट्यूबर हैं उन लोग सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के साथ भी मैंने शेयर करी थी, और जिस तरीके से देख रहा हूँ बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं। सो इसी के लिए साथ मैं ये वीडियो अपनी लेकर आया। सो गाइस, आप लोगों के पास बहुत सी क्वेरीज थी कि क्या मेरी पर्सनल होल्डिंग्स हैं, और मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते थे कि आपकी जो लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड की कॉल्स हैं वो आप अपने क्लाइंट्स को दे देते हो, पर हम कैसे बिलीव करें कि वो आप लेते हो तो आपको प्रॉफिट होता ही नहीं होता। आप लोग हमें बताते हो कि हाँ हमारे क्लाइंट्स को प्रॉफिट हुआ, पर डिफ क्या आपको प्रॉफिट होता या नहीं होता। सो गाइस, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उसी के साथ मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, वो बैच मेरा आज से स्टार्ट हो चुका है और कुछ सब्सक्राइबर्स भी जुड़ चुके हैं और जो मेरे पुराने क्लाइंट्स थे वो भी जुड़ चुके हैं। सो गाइस, ये बैच में हम क्या कराने वाले हैं कि मैंने बहुत से लोगों की जब बातें सुनी तो मुझे पता चला कि इंट्राडे पे बहुत कम लोग हैं जो काम कर पाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हाँ हमें इंट्राडे पे कॉल्स प्रोवाइड कराइए क्योंकि उस पर पैसा बहुत है, पर गाइस उस पर रिस्क भी बहुत है। मैं ये आपको डिग्निफाई नहीं कर रहा हूँ गाइस कि इंट्राडे पे पैसा नहीं बनता। इंट्राडे पे मैंने बहुत पैसा कमाया और कमवाया भी है। बट गाइस, अब जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इंट्राडे पे ट्रेड नहीं ले पाता, और मैं देखता हूँ कि मेरे सामने जो पोजीशन मैंने खुद देखी थी जिसमें मैंने चार्ट ड्रॉ करा था और मेरे को बाय सिग्नल मिला था, पर मैं उसमें खुद भी ट्रेड नहीं ले पाया और ना कर पाया। मैं अपने क्लाइंट्स को जो कॉल्स 200 रुपये में, कोई एक स्टॉक था वो मैंने अपने क्लाइंट्स को 200 रुपये में बाय करवाया था, वो जब 230 जाता है मैं तब उसे बाय कर पाता हूँ क्योंकि तब मैंने वो देखा था, पर मैं बाय नहीं कर पाया था बिजी होने की वजह से। सो गाइस, ये बहुत सी प्रॉब्लम्स मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ स्विंग करते हुए प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी, तो इसलिए मैं अपने स्विंग ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो ये बैच स्टार्ट हुआ है जो कि ऑफिस में काम करते हैं, जो बिजनेस मैन है जिनके पास टाइम नहीं है, वो हमारे ये लॉन्ग टर्म और स्विंग कॉल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बैच हमने स्टार्ट करा है जिसपे हम आप लोगों को हर 3 दिन पे या हर हफ्ते आप लोगों को कुछ स्विंग ट्रेड्स या वीकली कॉल्स या फिर मंथली या लॉन्ग टर्म कॉल्स प्रोवाइड कराएंगे जो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। सो उस सर्विस को अवेल करने के लिए आप हमें मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या मेरे
नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा गाइस, कॉल में जनरली काट देता हूँ या नहीं उठा पाता, तो आप मुझे मेल करेंगे, मैं डायरेक्टली आपका रिप्लाई करूँगा, या व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, तो मैं आप लोगों को सारी सर्विस के बारे में बता पाऊँगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मेरे बारे में जानना था कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे क्लाइंट्स थे वो ये जानना चाह रहे थे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए हैं सर, तो हम कितना पैसा स्विंग पे लगाए, कितना पैसा लॉन्ग टर्म पे लगाए, कितना पैसा हम इंट्राडे पे लगाए। ये बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी और वो जानना चाह रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, हमने इंटरनेट पे गूगल पे स्टडी करा है, तो वो ये तरीके से एलोकेट बताते हैं कि आप किस तरीके से एलोकेशन बताना चाहते हैं वो आप हमें बताइए। सो गाइस, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलोकेशन पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमने अपने रिटर्न्स आपको बता रखे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इन्वेस्ट 40%। 40% आपको इन्वेस्ट करना है। ये 40% क्या है? ये 40% है गाइस स्विंग ट्रेड्स का। ये स्विंग ट्रेड पे मैं 40% अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें से 40,000, तो आप ये 40 के इक्वल्स टू 40,000 है, तो आप याद रखिए 40,000 रुपये मैं लगाऊंगा स्विंग ट्रेड्स पे, ठीक है गाइस। और जो रिमेनिंग, ये जो 60% आप देख रहे हैं, ये जो रिमेनिंग 60% है, ये रिमेनिंग 60% में से 20% मेरा इंट्राडे होगा, और जो मेरा अगला जो 40% रिमेनिंग 40% बचा, वो 40% मेरा लॉन्ग टर्म कॉल्स पे जाएगा, लॉन्ग टर्म कॉल्स। तो आप देख सकते हैं कि 40% मेरा स्विंग है, 20% मेरा इंट्राडे है, और 40% मेरा लॉन्ग टर्म कॉल्स है। सो इस तरीके से हम चलते हैं। सो इस तरीके से हमारा एलोकेशन होता है, यानी कि 40, 40 और 20। मेन फोकस मेरा इसमें रहता है स्विंग में, और लॉन्ग टर्म पे तो मैं एवरेजिंग और अपने जो उसके हिसाब से मैं वो करते रहता हूँ। और लॉन्ग टर्म पे गाइज, आप लॉन्ग टर्म को 40 से आप इसको 30 या 25 करके इसको भी आप बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप इंट्राडे भी करना चाहते हो तो वो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा, ये आप एलोकेशन लगाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगी। 40% तो आपका स्विंग फिक्स्ड है, 40% स्विंग आपको लगाना ही लगाना है। 25% या 20% आप लगा सकते हो लॉन्ग टर्म कॉल्स पे, ठीक है गाइस। ये कितना हुआ, 35% जो होगा वो आप लगा सकते हो इंट्राडे पे या बीटीएसटी पे। आप बीटीएसटी पे लगाइए या इंट्राडे पे लगाइए, वो आपके ऊपर है, 35% आपको मिला है। अब मैंने आपको लॉन्ग टर्म पे 25% क्यों कहा, क्योंकि गाइज ये मेरा सोचना है, और जिस तरीके से मैंने अभी तक देखा है अपने स्विंग कॉल्स को और लॉन्ग टर्म कॉल्स को, कि स्विंग कॉल्स इस तरीके से अच्छे निकल जाते हैं, कि इतना अच्छा रिटर्न दे जाते हैं कि ये इसके कुछ स्टॉक्स हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे भी ऐड हो जाते हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे भी ऐड हो जाते हैं और फिर ये बढ़ते रहता है। तो यानी कि अगर मैं 6 महीने से, अगर मैं कोई स्टॉक 6 महीने तक होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं उसे अपना अंदर से एक लॉन्ग टर्म मान लेता हूं, तो आप देख सकते हैं कि स्विंग और लॉन्ग टर्म को अगर हम प्लस करते हैं, तो यानी कि हमारे पास 65% की होल्डिंग है, जो हम एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं। तो यानी कि 65% हम होल्ड करते हैं, 25% हम इंट्राडे या 1 या 2 दिन के लिए होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एलोकेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा रिटर्न और अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्योंकि 35% तो आपको गाइस इंट्राडे पे भी कमा मिल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 35,000 अगर आप इंट्राडे में लगा रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है और आप इसमें अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और 65% जो 65,000 है, इस पर आप स्विंग ट्रेड करिए या फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करिए, यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहता है। अब गाइस, आप लोग जनरली मेरे से पूछते हैं कि मैं स्विंग ट्रेड्स पे, या मैं अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मैं कितने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो पे रखूं। गाइस ये हमें नहीं देखना चाहिए। ज्यादातर लोगों को मैंने सुना है कि आप कम स्टॉक भी नहीं रख सकते या आप ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते, ये मैं अपने सोच नहीं रखता, क्योंकि गाइस जिस तरीके से मैं स्विंग ट्रेड्स पे एनालिसिस करता हूँ वो बेसिकली थ्रू चार्ट्स होता है, और जब चार्ट्स में मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो मैं कुछ मतलब 90% मेरा 90 to 95% सिर्फ मेरा चार्ट होता है,
और 5% में से फंडामेंटल, या अगर उस बीच में कुछ 1-2 महीने में पर्टिकुलर स्टॉक की कोई न्यूज आ सकती है नहीं आ सकती है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी कर लेता हूँ, या फिर मेरा 95% टू 100% चार्ट्स ही होता है। सो गाइस अगर आपको अपनी चार्ट्स पे बिलीव है, अगर आपको लगता है कि गाइज ये एक मंथली चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये मंथली चार्ट है HDFC बैंक का, आपको जैसे आती है एनालिसिस चार्ट पढ़ना आता है, ये मंथली चार्ट है, अगर आप देख रहे हो कि मंथली चार्ट पे एक पैटर्न बना है, ये पैटर्न अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा गाइज ये पैटर्न का नाम है साइफर पैटर्न। मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ और यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है इस लेवल से। सो आपको पता होगा कि इस लेवल से रिवर्सल है और ये अगर 1000 रुपये में काम कर रहा है और अगर आपको पता है कि इसका मिनिमम टारगेट 1200 रुपये है तो आप इसे क्यों होल्ड नहीं करोगे। अगर आपको कोई अगला स्टॉक मिलता है, अगर आपको अगला स्टॉक ICICI GI मिलता है उसमें भी आपको लगता है कि ऊपर जा रहा है तो आप क्यों होल्ड नहीं करोगे। सो ये नहीं देखा जाता कि 10 स्टॉक होल्ड करने चाहिए या 5 स्टॉक होल्ड करने चाहिए या 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। अगर आपको अपनी एनालिसिस पे गाइज बिलीव है तो आप जितने होल्ड करें उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना आपका रिटर्न जो है वो ऊपर जाएगा। बहुत लोग आपको बताएंगे कि 10 लॉन्ग टर्म कॉल्स पे हाँ होता है कि 20 या 30 या 50 स्टॉक से ज़्यादा आप होल्ड मत करिए, पर स्विंग ट्रेड्स पे आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, आपको आपके जो आप रिसर्च कर रहे हो उस पर अगर आपको पूरा श्योर शॉट है तो आप डेफिनेटली उसे होल्ड करिए। क्योंकि गाइज मुझे अपनी रिसर्च पे बहुत श्योर शॉट हूँ, मैं कभी अपनी रिसर्च पे डाउट नहीं करता या फियर के ऊपर नहीं चलता हूँ तो ही मैं अच्छे रिटर्न्स ले पाता हूँ और टाइम से निकल पाता हूँ। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ और पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं सबसे पहला अपना पोर्टफोलियो। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा सबसे पहला पोर्टफोलियो है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा गाइस और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं गाइस कि आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बता रहा था कि मैं अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट कर रहा हूं और मैं अपने एक वेबसाइट के थ्रू एक नाम सोचना चाहता हूं कि अगर मैं आगे जाके इस लाइन पे जाऊं या अगर मैं एक फर्म या एक वेंचर ओपन करता हूं तो गाइस मैं अपना क्या नाम रखूं। सो गाइस मैंने अपना गाइस नाम चुन लिया है, ये मेरा नाम है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरा नाम है और ये मैं चुन चुका हूं जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये मेरी वेबसाइट का नाम होगा अभी के लिए, अभी तक के लिए। और अगर मुझे पसंद आता है तो गाइस अगर मैं कभी वेंचर स्टार्ट करता हूँ या कभी मैं के ऊपर एक ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट करता हूँ तो उसका भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरे कंपनी का नाम होगा। सो गाइस उसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरा इंस्टा का हैंडल है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक एजुकेशनल वीडियोस और पोस्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सी वैल्यू इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड और जो आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू आगे लेकर जाने में हेल्प करती है, स्टॉक मार्केट के थ्रू आगे लेकर जाने में हेल्प करेगी, यूट्यूब प्लस इंस्टाग्राम, ये 2 चीज़ें मैं साइड में आप लोगों के साथ लेकर चल रहा हूँ तो प्लीज़ जाके ज़रूर फॉलो करिए। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है first_investment, जाके फॉलो करिए। ये मेरा लोगो है और यहाँ पर मैं अब स्टोरीज भी डालना शुरू कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड बुक्स भी डालूंगा कि मैंने अपने क्लाइंट्स को क्या क्या ट्रेड्स दिए, प्लस यहाँ पर मैं एक और स्टोरी डालने वाला हूँ कि कौन से चार्ट्स हैं जिसके बेसिस पे मैंने अपने क्लाइंट्स को कॉल्स दी या मैंने कॉल्स ली और उस पर हमें इतना % का प्रॉफिट हुआ। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लेकर आ गए हैं तो गाइस इंस्टाग्राम में फॉलो करिए। और खास बात यह है, ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहने वाला हूँ, अगर वो ये वीडियोस देख रहे हैं तो यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, वीडियो देखकर भी इस इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, मुझे DM पे जो इसके मैसेज बॉक्स होता है गाइस मैसेज प्राइवेट बॉक्स पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको जो भी मुझे रिस्पॉन्स देना है, जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं वहाँ पर मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, जो भी मैंने अभी तक आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करा है, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं इस अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके कि मैंने किस तरीके से आप लोगों के साथ परफॉर्म करा है और जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को कैसी लगती है। सो गाइस फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर जाके। और इसी के साथ मैं अपने बढ़ता हूँ अब चार्ट्स की तरफ, स्टॉक्स की तरफ और मेरी पर्सनल होल्डिंग्स की तरफ। सो गाइज ये है मेरी पर्सनल होल्डिंग्स, ये सिर्फ मेरी थोड़ी कम होल्डिंग्स है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और कुछ होल्डिंग्स मेरी अभी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा क्योंकि ज़्यादा होल्डिंग्स मैं अभी आपको नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो अगली वीडियो तक के लिए हम अवेलेबल रख रहे हैं। सो गाइज ये मेरी कुछ होल्डिंग्स है और ये होल्डिंग्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ वो सबसे पहला स्टॉक है अरविंद
अरविंद, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला मेरा स्विंग ट्रेड्स का है और मैं आपको बताना चाहूंगा ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये स्विंग ट्रेड्स की मेरी कॉल्स है। अरविंद, मैंने आप लोगों को याद होगा गाइस, आप लोगों को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बाय करवा रखा है, अराउंड 40-42 के आसपास मैंने आप लोगों को बाय करवा रखा है। डिस्क्रिप्शन पे भी अभी भी आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, और इसके जो टारगेट्स हैं वो अभी भी हायर हैं। टारगेट्स जानने के लिए गाइस आप अभी भी डिस्क्रिप्शन पे वो वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं और अभी भी टारगेट्स ढूंढ सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो बाय कर रखा है वो 41.80 पे एवरेज कर रखा है। मेरा जो अभी ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 44.565 का, और अगर आप इसके टारगेट्स देखते हैं तो मुझे कितना परसेंट का ये नेट चेंज रिटर्न दे रही है, ये मुझे दे रही है 7% का रिटर्न अभी भी दे रही है। हाँ गाइस, मैंने ये अपने क्लाइंट्स को 40 रुपीज पे बाय करवा रखा है, वो मैं आपको आगे मेरे व्हाट्सएप पे जो मेरे ग्रुप है उसके स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। 40 रुपीज पे मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया था, मैंने खुद 42 पे बाय करा है। हाँ गाइस, मैं ज्यादातर नहीं देख पाता था और जब से मैंने देखना शुरू करा है तो मुझे लगता है कि मैंने ये चार्ट की स्टडी करके रखी थी, पर तब भी मैंने वो लोअर लेवल पे बाय क्यों नहीं करा। सो गाइस, अब ये आपको एक खास बात मैं और बताना चाहूंगा, आप चौंकिएगा कि गाइस ये जो कॉल्स, ये जो आप स्टॉक्स देख रहे हैं, ये स्टॉक्स की जो स्विंग ट्रेड्स है, इस स्टॉक्स को खरीदे हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है। हाँ गाइस, इन पर्टिकुलर ये सारे स्टॉक्स को खरीदे हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ है, मुझे मुश्किल से 20 दिन हुए होंगे सिर्फ ये खरीदे हुए। सो आप समझ सकते हैं कि 20 दिन में अगर ये मुझे पर्टिकुलर स्टॉक 7% का रिटर्न दे रहा है तो कितनी बड़ी बात है। द्वारिकेश सुगर, तो ये भी मेरी एक होल्डिंग्स में है और ये भी मेरा एक स्विंग ट्रेड है, इसके भी अच्छे खासे टारगेट्स हैं, इसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है अभी, ये मुझे कम से कम 3-3.5% का नुकसान दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ गाइस क्वांटिटी और अपना प्रॉफिट शेयर नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ रीजंस हैं, उसकी वजह से मैं आपको अपनी क्वांटिटी या प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं दिखा पाऊंगा। बट गाइस, अब आपको मैं अगले स्टॉक की तरफ लेकर चलूं, तो ये मेरा थर्ड स्टॉक है जो आप देख सकते हैं, जीएनएफसी। जीएनएफसी भी गाइस मैंने आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे भी बता रखा था, मैंने आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे अराउंड 170 लेवल पे बता रखा था, अपने क्लाइंट्स को मैंने 160-165 पे ही बाय करवा रखा है, जो भी मैंने जिस लेवल पे मैंने बाय कर रखा है। ये देख सकते हैं कितने पे काम कर रहा है, 197 पे काम कर रहा है। रिटर्न अगर आप देखेंगे तो गाइस 19% से 20% तक का रिटर्न ये मुझे देकर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे स्टॉक्स काम करते हैं। ये पर्टिकुलर जीएनएफसी को खरीदे हुए मुझे हफ्ता हुआ होगा गाइस, हफ्ता से 10 दिन हुए होंगे और मुझे 20% तक का ये रिटर्न दे रही है। सो गाइस, ये होती है स्विंग ट्रेड्स, इसी बेसिस पे हम काम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको होल्ड करते हैं गाइस, ये ज्यादातर ये जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को लिखे हुए हैं जो मेरे स्विंग ट्रेड्स पे, ये ज्यादातर डेरिवेटिव सेगमेंट पे काम नहीं करता, यानी कि फ्यूचर ऑप्शंस पे काम नहीं करता। अगर हम बात करें अरविंद की तो नहीं काम करता, ये नहीं करता गाइस, ये भी नहीं करता, ये करता है शायद और ये भी नहीं करता। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि ये लेने का तरीका होता है तो इस तरीके से हम लोग चुनते हैं। अब कैश सेगमेंट में अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक 7-8 दिन के अंदर 20% दे रहा है तो मैं क्यों इंट्राडे पे जाऊंगा और अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे 20-20, 2-2 हजार का एक एक लॉट होता है, मैं वहां पर रिस्क क्यों लूंगा। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, या 7% का रिटर्न दे रहे हैं या 3% का नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, यहाँ पर हमने एवरेज हो गया। अगर हम अगले स्टॉक की तरफ बढ़े, जीएसपीएल, तो ये इसकी वीडियो भी मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड करी है और ये भी मैंने उसी टाइम बाय करा है, तो ये भी एक बाय बनता है और अभी भी इसके जो टारगेट्स हैं बहुत अपसाइड के हैं। आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक कॉपी करिए, यूट्यूब पे जाके आप देख पाएंगे। एमसीएक्स हमारा एक है जो डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर काम करता है, मैंने 1320 रुपये में काम इसे बाय करा है, बट हमने अपने ये क्लाइंट्स को 1280 रुपये में बाय करवाया था और उसके 3 दिन बाद ये स्टॉक पर्टिकुलरली 1380 तक चला गया था। हाँ गाइस, ये 1280 से 1380 3 दिन के अंदर चला गया था और अपने क्लाइंट्स को अपने 1280 रुपये में बाय करवाया था। सो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिटर्न ये देती है। अगर मेरे को ये सिर्फ 30 रुपये का प्रॉफिट दे रही है तो मुझे 2.5% का रिटर्न दे रहा है, तो इन लोगों को तो इन्होंने 100% 100 रुपये का प्रॉफिट दिया था, तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों को कम से कम 7-10% तक का ये प्रॉफिट दे रही होती है हमारे क्लाइंट्स को।
MRPL की बात करें तो MRPL भी हमने अपने मैंने हाल बाल ये भी बाय करा है। हालियाल ये मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय नहीं करवा रखा क्योंकि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को बाय करवाता हूँ, कुछ नहीं करवाता। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं ये थोड़े रिस्की स्टॉक्स होते हैं और ये ज़्यादातर मैं अपने खुद के लिए ही बाय करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल द्वारिकेश मैंने ना आप लोगों को दिया अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को, ना ही मैंने अपने क्लाइंट्स को शायद दिया है, तो वो देख सकते हैं कि 3.5% के लॉस पे है। सो इस तरीके से हम काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मुद्रा सेरेमिक्स की बात करें तो ये भी हम अपने क्लाइंट्स को नहीं दिया था, 9.5% का रिटर्न था। अब चौकिए मत, 9.5% का नेगेटिव रिटर्न, 24 रुपये का स्टॉक था, 23 रुपये में आया, मैंने आज एग्जिट कर लिया था। आज 7.5% का इसने लॉस दी, रिटर्न नेगेटिव दिया, तो मैं 2.5% पे था, मैं निकल गया था। सो इस पे मुझे ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ था, सिर्फ 1,200 रुपये का लॉस इसमें हुआ था। मुथुट कैप 586 पे बाय करा है, 586 पे अपने क्लाइंट्स को भी बाय करवाया है, 614 रुपये में काम कर रहा है। मेरे क्लाइंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं और इसका जो टारगेट था वो 620 से लेके 660 तक का था, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिटर्न दे रही है। अभी भी मुझे 5% तक का ये फायदा दे रही है। और अगर हम नैल्को की बात करते हैं तो नैल्को भी आप देख सकते हैं 44 से 46 पे ट्रेड कर रहा है, 3.5% का रिटर्न ये दे रहा है। पर अगर अभी मार्केट क्लोज हुई नहीं है, अभी अगर आप मार्केट क्लोज में देखेंगे तो ये रिटर्न बढ़ के 5% हो गया होगा क्योंकि इस पर भी अभी रैली आनी बाकी थी। वॉकआउट फार्मा ये हमने अपने क्लाइंट्स को 233 पे गाइस बाय करवाया था, मैंने खुद 246 पे बाय करा, यानी कि 12 रुपये या 13 रुपये ऊपर जाके मैंने इसे बाय कराया। तो आप देख सकते हैं कि गाइस किस तरीके से मैंने इसको ऊपर जाके बाय करा और तब भी ये मुझे 10 रुपये का फायदा दे रही है। और ये अगर आप बात करें तो वॉकआउट फार्मा मैंने खुद ही कल बाय करा है। हाँ गाइज, ये मैंने कल बाय करा है स्टॉक और मुझे एक ही दिन के अंदर इसने 4% का रिटर्न दे दिया है। सो हम ये स्टॉक्स क्यों बाय कर रहे हैं? ये स्विंग ट्रेड्स हैं, ये पर्टिकुलरली प्योरली सिर्फ इंट्राडे चार्ट्स के बेसिस पे हम बाय करते हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो हमने यूट्यूबर को कौन सी कॉल्स दी है आप लोगों को और क्लाइंट्स को, ये हमने यूट्यूब पे दिया है, प्लस हमने ये अपने क्लाइंट्स को दिया है। ये हमने यूट्यूब पे नहीं दिए हैं और शायद ही हमने क्लाइंट्स को भी नहीं दिया, ये मेरी पर्सनल होल्डिंग्स हैं। ये हमने आप लोगों को दी है, ये हमने आप लोगों को दी है। हाँ गाइज, ये हमने आप लोगों को दी है कॉल्स और ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी है और ये मेरी पर्सनल होल्डिंग्स में भी है। इसकी बात करें तो ये भी हमने आप लोगों को दी है, ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी प्रोवाइड कराई और ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में तो है ही। सो MCX की बात करें तो ये हमने आप लोगों को नहीं दी है, ये हमने अपने क्लाइंट्स को दी है, ये हमने आप लोगों को भी नहीं दी है, अपने क्लाइंट्स को भी नहीं दी है, ये हमने अपने आप लोगों को और अपने क्लाइंट्स लोगों को भी नहीं दी है। सो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को नहीं दी हैं बट हमने ये अपने क्लाइंट्स को दे रखी थी। सो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे तरीके से स्विंग कॉल्स पे ले रहे हैं और डेफिनेटली अर्न कर रहे हैं। सो आप हमारे साथ जुड़ रहिएगा और आप डेफिनेटली अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि ये हमारे कुछ स्क्रीनशॉट्स थे एक दो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था और आप लोगों को बताना चाह रहा था। 2 जनवरी को हमने बाय रिकमेंड करी थी वॉकआउट फार्मा में, बोला था कि 235 के आसपास काम कर रहा था, हमने बोला था 233-236 एक रेंज है, बाय करिए, टारगेट 240 से लेके 249 तक के हो सकते हैं, 228 का एक शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म कॉल आप देख सकते हैं। टारगेट हिट हो गए हैं, 2 जनवरी आज 14 है तो 10 दिन के अंदर टारगेट हिट हो गए हैं, टारगेट हिट हो गए हैं तो यानी कि ये कम से कम 10 से 12% का रिटर्न दे चुकी है। सो 10 से 12% का रिटर्न अगर 10 दिन में दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं आज की, तो आज मैंने अपने क्लाइंट्स को ये मैसेज लिखा था, ये मैसेज मैंने पहले भेज रखा था उन लोगों को, लॉन्ग टर्म 6 से 1 साल के लिए कॉल्स के लिए मैंने भेज रखा था। तो आप देख सकते हैं अरविंद 40 रुपीज़ पे बाय करवाया था, 44 चल रहा था तो 10% का रिटर्न ये दे रहा था। द्वारिकेश शुगर भी हाँ हमने अपने क्लाइंट्स को बाय करवा रखा है, 2% का लॉस दे रही है, 18% का हमारे क्लाइंट्स को इधर प्रॉफिट हो रहा है, नैल्को में हमारे क्लाइंट्स को 4% का प्रॉफिट हो रहा है। आप देख सकते हैं 1280 में बाय करवाया था, ये हमारे क्लाइंट्स को 8% का प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइज, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, वो लोग हमारी बात नहीं समझते थे कि हमने अपने क्लाइंट्स को कॉल्स तो नहीं दिए, हम आप लोगों को पहले ही फालतू में बताते हैं। सो गाइज, ये रियल फैक्ट्स हैं, हम जो अपने क्लाइंट्स को कॉल्स देते हैं वो मैं खुद भी कॉल्स ले रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपने क्लाइंट्स को कॉल दे रहा हूँ वो लॉस में जाते हैं तो मैं क्यों खुद ट्रेड करूँ अपने कॉल्स पे। सो इस तरीके से ही हम आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं। कुछ पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीनशॉट्स लेकर आया हूँ पर्टिकुलरली स्टॉक्स के
जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये नालको का स्टॉक है। ये नालको का स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अब आप देख सकते हैं नालको 47 रुपीज पे अभी ट्रेड कर रहा है। मैंने आप लोगों को 40 रुपीज 42 रुपीज पे बाय की सलाह दी थी। ये रहा 42 का लेवल। इस लेवल पे आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न बना है मंथली चार्ट पे साइफर का पैटर्न। अब मैं इसको बाय कर रहा हूं, अपने क्लाइंट्स को बाय दे रहा हूं, तो क्योंकि मुझे पता है कि एग्जैक्ट ये लेवल से ही रिवर्सल आना है। इसी लेवल, ये लेवल जो है गाइज वो 39 का लेवल है, और 39 पे हमने अपने क्लाइंट्स को 40-41 के आसपास बाय करवा दिया था 1-2 रुपये ऊपर। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट है वो 70 के आसपास आ रहा है। हाँ गाइज, इसका जो टारगेट है वो 70 रुपये के आसपास का टारगेट है, जो कि 40 रुपीज के हमने आसपास बाय करवाया, यानी कि 30 रुपये का ऊपर का अपसाइड है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया हम एक तरीके से रिटर्न इसमें लेकर चल रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं और नेक्स्ट स्टॉक पे अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, तो नेक्स्ट स्टॉक पे आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये है MCX। तो MCX पे ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है कि हमने आप लोगों को एक बाय की सलाह दी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, और ये कप एंड हैंडल पैटर्न आप देख सकते हैं कि कितने पे बना है। ये बना है वीकली चार्ट पे, आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे MCX का पैटर्न है। ये पूरा एक आप देख सकते हैं पूरा कप है, और ये इसका हैंडल है। इसका हमने एक ब्रेकआउट देखा 1260 पे, 1260 पे हमने ब्रेकआउट देखा। बट मुझे ये देखना था कि इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस आ रहा है, ये आ रहा है कि ये आ रहा है 1280 पे। कोई बात नहीं, अगर हम इसके टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट इसका कम से कम है 1800 रुपये का। 1350 पे MCX काम कर रहा है। हाँ गाइस, 1350 रुपये में MCX काम कर रहा है। मैं यहाँ आपको साफ से लिख देता हूँ, 1350 पे काम कर रहा है MCX। अभी टारगेट क्या है इसका 1800 रुपये का, पर्टिकुलरली ये पैटर्न की वजह से। ये जो पैटर्न बना है ना, ये पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि इसका टारगेट है 1800 रुपये का। सो हमने इस लेवल पे अपने क्लाइंट्स को बाय की सलाह दी, और अब आप देख सकते हैं कि 1380 पे काम कर रहा है। इतनी ऊपर की अपसाइड दिखा चुका है, और भी हायर टारगेट्स हैं। तो ये हमने आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पाए, कुछ हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, कुछ आप लोगों को करवाते हैं। इसीलिए मैं वीडियो थोड़ी कम बना रहा हूँ, और मैं बहुत अब सोच समझ के आप लोगों के लिए सिर्फ स्विंग कॉल या फिर आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कॉल्स ही लेकर आ रहा हूँ। जैसा आप लोगों को पता होगा कि मैं सेक्टर एनालिसिस विद शिवांश भसीन की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसपे हमने सबसे पहला स्टॉक जो सेक्टर चुना है वो चुना है ऑयल एंड गैस का, जिसपे से आपको पता होगा कि HOEC एक स्टॉक सबसे पहले हमने स्टार्ट करवाया था, 83 पे आपको बाय करवाया था। 15 दिसंबर की शायद ये बात है, 25 दिसंबर की बात है गाइस। 25 दिसंबर को मैंने आपको 83 पे HOEC का स्टॉक बाय करवाया था, जो कि अभी 101-102 रुपये में काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किस बढ़िया तरीके से हम आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो GSPL जो हमारे पोर्टफोलियो पे अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया, वही सेक्टर एनालिसिस विद शिवांश भसीन पे आप लोगों को 2 दिन पहले वो वीडियो अपलोड कर दी गई है। सारी आपको वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, जाके जरूर देखिएगा, और टारगेट्स आपको वहां पर पता चल जाएंगे। सो ये था MCX का। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, तो नेक्स्ट स्टॉक है गाइज अरविंद। अगर हम अरविंद की बात करते हैं तो आप अरविंद का देख सकते हैं, अरविंद का भी यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन है, और मंथली चार्ट पे जो इसने पैटर्न बनाया है वो पैटर्न बनाया है बैट पैटर्न। गाइस, आप अगर मेरी रेगुलर वीडियोस देखते होते तो आप लोगों को पता होता मैं कोई भी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर MACD या ये सारी चीजें, मैं कोई भी इंडिकेटर्स या किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता। सिर्फ मैं जो फॉलो करता हूँ वो करता हूँ ये जो पैटर्न होते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और बस आपको पता होगा कि मैं ये दोनों चीज़ों के बेसिस पे ही आप लोगों के लिए स्टॉक्स चुनता हूँ, और इसी के साथ आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड कराता हूँ। अगर इसके टारगेट फाइंड करने की बात करें, जो कि आपको 40 रुपये में स्टॉक दिया था, और इसका मिनिमम टारगेट जो मुझे लगता है 100 रुपये का है, ये आपको मेरी वीडियो पर पता चल जाएगा कैसे आया क्यों आया, जाके आप इसे ज़रूर वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, ये हमारे कुछ पर्टिकुलरली स्टॉक्स थे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये GNFC है, मंथली चार्ट है, आपको बताया था 150 के लेवल पे 200 रुपये में काम कर रहा है। वॉकआउट फार्मा आप देख सकते हैं किस तरी बढ़िया तरीके से इसका भी चार्ट पैटर्न है। सो गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। जो हमारा ये सेशन था, ये सेशन बहुत बढ़िया गया। मैंने आप लोगों को अपने कुछ स्विंग ट्रेड्स के बारे में बताया, जो लोगों की बहुत सी क्वेरीज थी ये वीडियो देख के जरूर फुलफिल हो गई होंगी।
जो हमने नया बैच स्टार्ट करा है, उस बैच की क्वेरीज अब हमारे साथ ले सकते हैं। हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं, स्विंग कॉल्स और लॉन्ग टर्म कॉल्स के लिए भी आप ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो इंट्राडे कॉल्स जिन लोगों को चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, उसका अलग बैच है, वो तो रेगुलरली चलते रहता है। जो लोग भी अवेल करना चाहते हैं वो कभी भी कर सकते हैं, पर ये हम चाह रहे हैं क्योंकि हमारी गाइज नई वेबसाइट बनने वाली है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करिएगा गाइज, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। जो हमारी वेबसाइट बनने वाली है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे, हम उस पर ये सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे, और हल्के हल्के हमारा जो कोर्स डेवलप हो रहा है वो कोर्स भी वहाँ पर आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोर्स की कोई भी या आपको कोई भी सर्विसेज इंक्वायरी हो, क्वेरीज हो, ज़रूर हमें मेल या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और गाइस खुश रहिएगा।